हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग सितंबर के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो ऐसे हमको हफ्ते महीने में पूरे मंथ में 4 करंट अफेयर्स के वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। व्हेन इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट सेलिब्रेटेड, तो ये मनाया जाता है 31 अगस्त को, और इसका पर्पज है टू सेलिब्रेट एंड रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अफ्रीकन डायस्पोरा एंड एलिमिनेट ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो जो विदेशों में अफ्रीकन मूल के लोग रह रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन दुनिया के प्रति, और किसी भी तरीके का उनके खिलाफ रंग भेद ना हो, उसको लेकर ये दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। हु वॉज अपॉइंटेड डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट ACC ने अपॉइंट किया है श्रीकांत टी को अगले 5 सालों के लिए। और जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट होती है दैट इज हेडेड बाय द PM। नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बैक टू रूट्स, ये है तमन्ना भाटिया, साउथ की बहुत सक्सेसफुल हीरोइन है, बाहुबली 1 में आपने इनको देखा भी होगा। इन्होंने लाइफस्टाइल कोच ल्यूक कोटिनो जो है उनके साथ ये बुक को ऑथर करी, मतलब साथ में मिलकर लिखी है, जिसमें एंशियंट इंडिया के सीक्रेट बताए गए हैं हेल्थ एंड वेलनेस को लेकर। तो उसका शीर्षक भी देखिए वही है, बैक टू द रूट्स, पुरानी जो पद्धति चली आ रही है भारत की उस पर इसमें बात की गई है, उसके बारे में लिखा गया है। हु लॉन्च्ड फिट इंडिया मोबाइल ऐप, तो ये फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च करी है स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने, और इसको लॉन्च किया गया है 2 साल पूरा होने पर फिट इंडिया प्रोग्राम जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने शुरू किया था। और ये कहां पर इन्होंने इसको ऐप को लॉन्च किया है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में। विच कंट्रीज डिड जॉइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज इन द गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन कहां है, यमन के ठीक नीचे इंडियन ओशन में। तो जो रोड रेड सी की जो ओपनिंग है, जो पूरा रूट है आपका, उसके बाद आप स्विस कैनाल में चले जाते हैं, वहां पर ये एक्सरसाइज करी है, जॉइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज किसने, इंडिया और जर्मनी ने। इसमें इंडिया का जो वॉरशिप है त्रिकंद उसने पार्टिसिपेट किया, वहीं जर्मनी की तरफ से ब्रेन ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट इज विच मंथ विल बी ऑब्जर्व्ड एज पोषण माह, तो ये न्यूट्रिशन मंथ ये कौन सा है, सितंबर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर इसको मनाता है टू इंश्योर, तो जितने भी हमारे बच्चे हैं, छोटी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जो माए हैं बच्चों को दूध पिला रही हैं, उन सबको न्यूट्रिशियस डाइट, पोषण वाली डाइट मिले, इसको इंश्योर करने के लिए ये मंथ मनाया जाता है, पोषण माह। हु इज अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ CBDT, तो CBDT क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष कर। तो ये है JV महापात्रा, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, प्रकाश चंद्र मोदी को। CBDT 1924 में एस्टैब्लिश हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। अगला है हु बैग्ड बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो सबसे पहले तो हम ये बताते हैं किस फोटो के लिए ये अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड दिया गया एक रोड रनर जो है, पक्षी होता है वो, जो पूरी मैक्सिको और USA के बीच की जो वायर्ड पूरी बाउंड्री बनी है उसको बीच में खड़े होके ताक रहा है, देख रहा है। तो उसका कैप्शन इस फोटोग्राफर ने दिया ब्लॉक्ड, और फोटोग्राफर कौन है, एलेजेंड्रो प्रीटो, कहाँ के हैं ये, मैक्सिको के। हु बिकेम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, तो ये बने हैं अतुल भट्ट। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है विशाखापट्टनम में इसका हेडक्वार्टर, और ये एस्टेब्लिश हुई थी 1982 में। हु वन द 2021 रेमन मैग्सेसे अवार्ड, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा, किसकी मेमोरी में, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रेमन मैग्सेसे उनकी मेमोरी में दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है, 1958 से, किन लोगों को, एशिया के लोगों को और ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है उनके बेहतरीन काम के लिए, जर्नलिज्म में, सोशल वर्क में, आर्ट में, पीस में और लीडरशिप में। तो इस बार का ये अवार्ड मिला है फिरदौसी कादरी को। विच कंट्री होस्टेड लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट, तो ये समिट होस्ट किया था इंडिया ने, और ये
किसके इनिशिएटिव से होस्ट किया गया? पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 3 सितंबर को। पीएम मोदी ने इस समिट को एड्रेस किया था और स्ट्रेस दिया था पावरिंग इंडियाज हाइड्रोजन इकोसिस्टम। इंडिया आप जैसे जानते होंगे कि हाइड्रोजन हब बनने के रूप में अग्रसर है, तो उसी को लेकर प्रधानमंत्री ने इस समिट में बात करी। हु वॉज अपॉइंटेड एज राज्यसभा जनरल सेक्रेटरी? तो राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं पीपी के रामा चेरुयल्लू, और इन्होंने देश दीपक वर्मा को रिप्लेस किया है। राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने इनको अपॉइंट किया। विच बिम्स्टेक नेशन ऑर्गेनाइज द 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स? ये भी इंडिया ने इसको होस्ट किया था। बिम्स्टेक नेशन होते कौन 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 से हैं इसमें? बिम्स्टेक नेशंस में इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। इसका हेडक्वार्टर है बांग्लादेश में। भारत ने इसको सार्क के विकल्प के रूप में, क्योंकि सार्क में पाकिस्तान भी है, तो उसको काउंटर करने के लिए भारत ने इसको सार्क के विकल्प के रूप में शुरू किया। ये मीटिंग हुई टू एनकरेज द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट अमंग बिम्स्टेक नेशंस, और इसको हेड किया भारतीय कृषि अनुसंधान के महानिदेशक त्रिलोचन महापात्रा ने। हु ऑथर्ड द बुक पोर्ट्रेट ऑफ अ हाउस कन्वर्सेशन विद बीवी दोषी? तो ये है दैनिता सिंह। हु बैग्ड द AANS अवार्ड इन न्यूरोसर्जरी? तो ये मिला है डॉक्टर बसंत मिश्रा को। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोसर्जिकल सर्जन ने उनको इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, और ये पहले इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है, और ये पहले डॉक्टर थे जिन्होंने कंप्यूटर गाइडेड सर्जरी परफॉर्म करी थी आर्टरी में, यानी कि नसों में, तो उसको देखते हुए उनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। Who became the new president of Estonia? Estonia जो है, अगर आप रशिया से घुसेंगे, सेंट पीटर्सबर्ग से जब यूरोप में आएंगे, तो इसको एस्टोनिया पड़ेगा पहले। तो एक छोटा सा कंट्री है और उसके प्रेसिडेंट हैं एलर कारिस। स्नो लेपर्ड इज अ स्टेट एनिमल ऑफ विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी? तो अभी इसको घोषित किया गया है लद्दाख ने। उसने स्नो लेपर्ड को स्टेट एनिमल और ब्लैक नेक्ड क्रेन को स्टेट बर्ड घोषित किया है। Who became the new director of Indira Gandhi Center for Atomic Research, IGCAR? तो ये हैं डॉक्टर बाला सुब्रमण्यन वेंकट रमन। Who was appointed as brand ambassador of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन इन राजस्थान? तो ये हैं अवनी लेखरा, जिन्होंने अभी पैरालंपिक्स में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है SH1 कैटेगरी में, और इसी कैटेगरी में उन्होंने 50 मीटर राइफल का ब्रॉन्ज भी जीता है। सिर्फ 19 साल की है, तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी स्टार्टेड साथ इनिशिएटिव? तो ये साथ इनिशिएटिव जो है, ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है और इसको इनॉग्रेट किया था गवर्नर मनोज सिन्हा ने। इसको शुरू किया गया है टू एनकरेज वुमेन इन्वॉल्व इन बिजनेस एक्टिविटी इन विलेजेस। तो जो बिजनेस एक्टिविटी जो भी वहां पर बना रही है, कुछ भी काम कर रही है छोटे स्तर पर, जो वहां की गाँव की महिलाएं हैं, उनको इनकरेज करने के लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। विच फॉर्मर एमपी जर्नलिस्ट डाइड रिसेंटली? तो यह है चंदन मित्रा। ये पाइनियर न्यूज़पेपर के एडिटर इन चीफ और ओनर थे, और 2 बार भारतीय जनता पार्टी के ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं राज्यसभा में, और अभी 2 साल पहले इन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ये सेप्टेम्बर के पहले हफ्ते के करंट अफेयर्स हैं। हर संडे को, एवरी वीक, एवरी संडे हम लोग उस मंथ के करंट अफेयर्स लाएंगे, ताकि अप टू डेट आप लोग रह सकें। सो होप यू लाइक द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच।